इसको टाइम से अगर करते हैं तो आपका मतलब ये मान के चलिए 1 बीघे में लगभग 10-12 लाख का प्रॉफिट हो दस जाएगा। बारह लाख जय दोस्तों, मैं रणधीर अधीर एग्रीटेक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम आए हुए हैं गोरखपुर में ही स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जानकारी के लिए। आप ये देख पा रहे हैं ये सब पूरी तरह से स्ट्रॉबेरी की खेती की गई है यहाँ पे, और जिनका भी ये फार्म है ये पिछले 3 साल से इस पे स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और काफ़ी प्रगतिशील किसान हैं। और नई टेक्नोलॉजी से आप यहाँ खेतों को देख पाएंगे, तो इस साइड जो आप देख पा रहे हैं ये केले की भी खेती इन्होंने की है, और ये स्ट्रॉबेरी की खेती लगभग ये 1.25 एकड़ में किया हुआ है यहाँ पे, और उन्हीं से मिलाते हैं आपको और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, मैं यहाँ पिपराइच ब्लॉक का रहने वाला हूँ, और ये उनौला 2M में खेती किया गया है, जिसकी हमको जानकारी जिला उद्यान से मिला और उनके देख रेख में कर रहे हैं, और इससे काफ़ी चीज़ें सीखे हैं और बताए भी लोगों को, और इससे हम कमाए भी हैं। और कितने समय हुआ आपको इसको करते हुए? ये तीसरा साल है हमारा। तीसरा साल? जी, मतलब तीसरा साल यानी कहने का कि आपको इसमें फ़ायदा है, मार्जिन है, तभी आप इसको कर रहे हैं। हाँ, इसको टाइम से अगर करते हैं तो आपका मतलब ये मान के चलिए 1 बीघे में लगभग 10-12 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। 10-12 लाख, मतलब आपका जो 1 एकड़ 1.25 एकड़ का एरिया है इसमें आपको इस बार कितना करीब प्रॉफिट उम्मीद है? 15-16 लाख के आसपास का। और इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना? इन्वेस्टमेंट ये मान के चलिए 50 रुपये पौधा आ जाता है, 50 और 1 बीघे में 15,000 पौधा आता है। 1 बीघे में 15,000 पौधे लगाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पहली बार जब आपने इसको स्टार्ट किया था तो उसका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जो नए फार्मर्स हैं जो आपको देख रहे हैं वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से, उनको तो ये लगता है कि आप 15 लाख 20 लाख कमा रहे हैं, लेकिन जो मेहनत है, जो जानकारी है, वो पहली बार का अनुभव, और आपने कितने इस ज़मीन से इसे स्टार्ट किया था उसके बारे में बताइए। पहली बार बहुत हम 200 पौधे से शुरू किए थे, और 200 पौधे पर ही अपना अनुभव और रिसर्च किए, जब यहाँ अनुकूल है मौसम की नहीं है, मौसम के हिसाब से यहाँ पौधा चलेगा कि नहीं चलेगा, तो 200 पौधा चला, पर जानकारी कम था तो उसमें काफ़ी पौधे मर गए थे, लेकिन पिछले साल हम जब किए तो उसमें मरने की संख्या और कम हो गई, और जब इस साल किए हैं तो मरने की संख्या ये मान के चलिए 2-3% तब सिमट गया। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि मेरा ये सवाल पूछने का रीज़न यही है कि जो फार्मर्स देखते हैं उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा इनका इनकम हो रहा है, मैं तुरंत शुरू कर दूँ, तो कोई भी चीज़ ऐसे किसी को देख के शुरू करने से अच्छा है, पहले बड़े लेवल से करने से अच्छा है कि आप छोटे लेवल पर, जैसा सर बता रहे हैं कि इन्होंने 200 पौधों से अपनी शुरुआत की थी और आज ये 1.25 एकड़ में इन्होंने फार्मिंग की है। 1.25 एकड़ में कितना पौधा लगाया है आपने? ये 1.25 एकड़ में हमारा आया है 30,000 पौधा, और वहाँ का लेके पाली हाउस का लेके हम इस साल 45,000 पौधा लगाए हैं। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि सर का इसके अलावा एक और पॉली हाउस में भी इस बार उन्होंने फार्मिंग की है, तो पॉली हाउस वाला जो प्रोजेक्ट है उस पर हम नेक्स्ट देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे क्या उसमें खर्चा आया है, लेकिन अभी जो हमारा है फोकस वो इसके बारे में हम जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे नया किसान कर सकता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। आपने बेड बनाया इसको तैयार खेत, इसकी जो तैयार जिस खेत में हम लगाते हैं उस खेत की तैयारी हमको सितंबर से ही शुरू कर देना चाहिए, अगर बारिश नहीं हुआ है तो उसके पहले भी अगस्त भी ले सकते हैं। खेत की 4-5 बार जुताई करेंगे और 1 बीघे में 5 टाली सड़ा गोबर डालेंगे, और बेड बनाने के बाद जैसे जो बेड हम बनाएंगे, बेड का जो चौड़ाई होगा 2 फीट रखेंगे, और उसमें एक ड्रिप पाइप होगी, उस ड्रिप पाइप जब बेड बना लेंगे तो उसके ऊपर हम गोबर जो होगा सड़ा गोबर फिर थोड़ा सा ऊपर बेड पर डालेंगे, उसके ऊपर डाल के फिर वो अपनी जो ड्रिप लाइन है रख के मल्चिंग सीट से ढक देंगे, उसके 1-2 दिन हम ड्रिप चलाएंगे, ड्रिप चला के उसके अंदर कम से कम 60-70% नमी कर दें। अच्छा, ये ड्रिप क्या चीज़ है वो भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, क्योंकि जो फार्मर्स है सभी लोग ड्रिप के बारे में जानते नहीं है, एक्चुअली ये ड्रिप है क्या? ड्रिप ये है, इसमें ये चीज़ जो है यही ड्रिप है। हाँ, ये ड्रिप लाइन है, ये ड्रिप लाइन इसमें सुराग होता है, जैसे अंदर जो पाइप गई है उसमें ये सुराग है, ये सिंचाई करने के पर्पस से। हाँ, सिंचाई करने के लिए ये जगह जगह जैसे 30 सेंटीमीटर या उससे बड़े होल पे इसमें होल होते हैं, जिससे पानी बूंद बूंद करके चूता है, और उसी ड्रिप से हम अपना जो भी खाद होगा या कीटनाशक दवा नीचे होगी उसी ड्रिप के थ्रू हम इस पौधे को देते हैं, ताकि जो खाद या दवा दे रहे हैं उसका 100% उपयोग हो सके।
जैसे मौसम का क्या रोल रहता है, तापमान कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, जैसा इसके बारे में? नहीं, बसंत ऋतु जैसे तापमान ठंडी का इसके लिए सही होता है। ठंडी में जो फल होता है उसका जो रोकने की क्षमता होती है, हम 2-3 दिन रोक सकते हैं। अगर टेम्परेचर जैसे बढ़ता है, गर्मी ज़्यादा आती है, तो पकता तेज़ी से फल भी ज़्यादा आता है, उसको हम रोक नहीं पाते, खराब होने के चांस रहता है, या उसको दाम कम करके चाहे जैसे भी मार्केट में बेच देना है। अच्छा, इसमें आपने मल्चिंग का यूज़ किया है, तो ये लगाना ज़रूरी होता है क्या? हम मल्चिंग लगाते हैं जैसे फ्रेश रहे, जो हमारा फल है वो फल पन्नी पर रहे, मिट्टी के संपर्क में ना रहे, क्योंकि ये फल ऐसा है जिसको हम बगैर धोए ऐसे सीधे इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको हम मल्चिंग सीट नहीं देंगे तो इस पर मिट्टी सटेगा, जिसको आप हम खाने में वो किचकेगा और ख़राब भी होता है, ख़राब भी होने का चांस रहता है। आपने मुझे पेड़ दिया है, ख़राब होने का चांस रहता है, सड़न आ जाती है उसमें। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सर ने एक निकाला है अपने फेस से, तो ये देखिए ये इसमें दाग पड़ गया है, तो ये बारिश की वजह से है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर मल्चिंग पेपर का यूज़ अगर आप नहीं करेंगे या किसी भी तरह का, इसका कोई ऑप्शन भी होता है क्या कि अगर नहीं, कोई फार्मर नया है शुरू करना चाहता है, अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है, जैसे अगर वो फार्मिंग कर रहे हैं तो मल्चिंग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं तो तरीका तो कुछ लेना ही पड़ेगा। और उसका विकल्प ये है, जैसे पुआल उवाल रख के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो सही सूटेबल नहीं होता, उसमें जैसे चूहा लगने का चांस होता है या कुछ इस तरह का भी होता है, या वो सड़ेगा, पुआल सड़ेगा तो उसके सड़ने से इस फल पर असर आएगा। तो एक नया फार्मर अगर इसे शुरू करना चाहता है तो आप कैसे उसे राय देंगे कि वो कैसे इसको शुरू करे शुरुआत? और कोई भी किसान अगर शुरू करता है तो मैं ये कहना चाहूँगा उनसे कि कोई भी चीज़ करने से पहले वो थोड़ा सा जहाँ हो रहा है वो आके अपना महीने में 2-4 बार आके उसकी ट्रेनिंग लें और जानकारी लें, जानकारी के बाद वो काम करें। आपके आसपास जो भी फार्मर्स हैं जो इस तरह की खेती को कर रहे हैं, उनसे मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए और उनके फार्म को रेगुलर विजिट करिए, और फिर अगली बार आप उनके मार्गदर्शन में ही अपनी फार्मिंग को स्टार्ट करिए। जैसे हम बात कर रहे थे सर कि ये जो पौधा आपने मंगाया है, इसमें वैरायटी भी होती है क्या? हाँ हाँ, इसकी स्ट्रॉबेरी की 600 वैरायटियाँ हैं, जो आसानी से हम लोगों को 4-5 वैरायटियाँ तो मिल जाती है। जैसे इसमें 3 वैरायटी लगा है, एक इसमें विंटर डाउन है, एक स्वीट सेंसेशन है, एक नाबिला है। तो लेकिन तीनों के फलों में और तीनों के पैदावार में देखना इस बार जो क्या अंतर आ रहा है, इसलिए 3 वैरायटी लगाए हैं। पिछले बार 1 वैरायटी हम लगाए थे विंटर डाउन। तो पौधों की जो वैरायटी है उसमें रेट का भी फ़र्क है, जो पौधे मिलते हैं उसमें रेट? जैसे हम लोकल पौधा लेते हैं, जैसे ऐसे बगैर कोकोपीट का आता है, ऐसे पौधा बांध के जैसे धान की रुपाई करते उस तरह बांध के आता है, तो पौधा हमको 10 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया मिलता है। अगर हम कंपनी से लेते हैं जो टिश्यू कल्चर पौधा बोलते हैं, तो वो अगर ब्रांडेड लेते हैं तो लगभग 20 रुपये का आता है, और वो पौधे का मरने का चांस भी कम होता है। अच्छा, एक चीज़ और आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले मुझे कि एक पौधा जो आपने लगा रखा है, इस एक पौधे से कितनी पैदावार होती है? देखिए, अगर बढ़िया पौधा पैदावार दे रहा है तो एक पौधा आपको 800 ग्राम से 1 kg माल देगा। 1 kg माल जी। तो ये भी दोस्तों ध्यान रखने वाली चीज़ है कि एक पौधा जो है आपका वो 800 से 1 kg का प्रोडक्शन देता है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अपने एरिया, आपका जो एरिया है उसमें आपको कितना प्रोडक्शन होगा। एक चीज़ और मैं जो सर जानना चाह रहा था, जो आपने बेड बनाया है, बेड के बीच का डिस्टेंस कितना रखा हुआ है? बेड के बीच में आने जाने के लिए हम उसको 2 फीट का गैप दिए हैं कि माल तोड़ने में आने जाने में आसानी रहे, और 2 फीट का ये बेड भी बना है। 2 फीट का बेड है, 1-1 फीट पर पौधा लगा है और 1 फीट पर उसकी लाइन भी है, हर तरफ से 1-1 फीट का है। होता है तो आप फार्मर कितनी बार इसे क्रॉप ले सकता है, मतलब तोड़ाई कैसे करते हैं? ये पौधा लगाने से आपको लगभग 55 दिन बाद फूल दिखने लगता है, और ये माल जैसे इसका फल पकता जाएगा, निकालते जाएंगे, इसमें फूल आता जाएगा, फल देता जाएगा। एक पौधे की क्वांटिटी अगर गिनती किया जाए तो हम लोग गिने हैं करीब 80-85 फल मैक्सिमम देता है एक पौधा, और 40-45 से ऊपर देता है, मतलब मिनिमम ये है कि 40-45 फल देता है। फल का जो वजन होता है, जैसे ये फल अगर आप देख रहे हैं तो इसका वजन, ये वजन लगभग आपका 80 ग्राम से ऊपर होगा। ये तो बहुत बड़ा साइज दिख रहा है, बड़ा साइज दिखाना चाहूँगा, ये बहुत ही रेयर मिलता है। ये तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा पौधा है, और आगे आपको दिखा दूँ कि सर जो तोड़ रहे हैं
रेगुलर साइज आपको यही मिलता है, ये जो है ये रेगुलर 25 साइज है। हाँ ये है 25-30 ग्राम की साइज ये आएगी। अच्छा एक चीज़ और, ये इसके बाद मान लीजिए प्रोडक्शन तो आप किसान कर ले रहा है आपसे सीख के या कहीं से भी सीख के जानकारी लेके, उसके बाद उसे दिक्कत होती है मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग का आप क्या कहना चाहेंगे कैसे? वो अगर करना चाहते हैं जैसे माल हो गया मार्केट में जा रहा, जब तक जा रहा सही से रेट मिल रहा है 250, 300, 400 तब तक वो दें। अगर माल नहीं बिक रहा है तो इसका जेम बनता है। अच्छा आप जेम बनाइए, और जेम बनाएंगे वो 3-4 महीने रोक सकते हैं, जेम बना के रख दीजिए। तो कोई जेम बनाने वाली कंपनियां भी हैं जिनको हम सप्लाई कर सकते हैं? शहर में आए थे, कई लोग आए थे तो हम बोले अभी ऐसे बेच रहे हैं अभी नहीं, पर जब रेट हमको नहीं मिलेगा तब आपसे हम जेम बनवा लेंगे। अच्छा ये एक चीज़ और इसमें जानना था कि ऐसे बेचने में ज़्यादा फायदा है या जेम बनाने वाली कंपनी को देने में, या हम खुद ही जेम बना सकते हैं तो उसमें ज़्यादा फायदा है? अब जैसे रेट की बात होता है ना, जैसे जब गर्मी आएगा माल ज़्यादा होगा खरीदने वाले कम होंगे, तो उस समय कुछ माल को जेम बनवा दिया जाता है कि उसको हम रख सकें 4-6 महीना रख सकें। मतलब शुरुआत में मार्केटिंग में आपको दिक्कत हुई कि ऐसा कुछ है इसमें? दिक्कत तो शुरू में हुआ था, शुरू में दिक्कत हुआ था। हम लोग जाते थे दुकानदार से बात करते थे, माल में बात करते थे, मंडी जाते थे तो कभी कभी लोग मजाक भी उड़ाते थे, पर अब जान गए हैं तो खुद फ़ोन पर आर्डर देते हैं, हम उनके आर्डर को पहुँचा के देते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि कोई भी नई चीज़ आप करते हैं तो आपको मार्केटिंग के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि आपका खेत से ही माल निकल जाए बिना किसी तरह के एफर्ट किए हुए, कोशिश किए हुए, तो नए तरह के फार्मिंग में आपको ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जब भी आप कोई चीज़ खेती कर रहे हैं, पहला तो आप अपने यहाँ मार्केट सर्वे भी कर लीजिए कि आपके आसपास इसका डिमांड है कि नहीं, बिकता है कि नहीं, और प्रोडक्शन होने के बाद आपको एक बार मंडी में जाना पड़ेगा। जैसा सर ने कहा कि शुरुआत में इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और वो सभी के साथ होता है, वो जब नए तरह की फार्मिंग आप करते हैं तो हर जगह ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन 1-2 सीज़न के बाद ये नॉर्मल हो जाता है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है इस तरह की खेती से। अगर मैं बात करूँ इस एरिए में, 1 एकड़ में अगर सर ने गेहूँ या धान की खेती की होती तो इनको मैक्सिमम 25-30 हज़ार रुपये ही, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन अब ये जो ये सीज़न जो है ये मान लीजिए 6 महीने का ही होगा, 5 या 6 महीने? हाँ 6 महीने कुल टोटल, इसको लगाने से हार्वेस्टिंग तक का हम 9 महीना मान के चलते हैं। 9 महीने की खेती में ये 15 लाख रुपए आराम से इनकी अर्निंग हो जाएगी, सर के बताए हुए जो इन्फॉर्मेशन है डाटा के हिसाब से। जी हो जाएगा। दोस्तों ये प्रति एकड़ की खेती से, स्ट्रॉबेरी की खेती अगर आप प्रति एकड़ करते हैं तो आपको 10 से 12 लाख रुपए की अर्निंग, अगर आप अच्छे से करते हैं, मेहनत करते हैं इसके साथ और इसकी अच्छी जानकारी है, तो 10 लाख रुपए आपका कहीं नहीं गया है। बात ये तो हुई इनकम की बात, दोस्त सर से जानते हैं कि इस 1 एकड़ में अगर पूरी चीज़ को जोड़ा जाए, मल्चिंग पेपर, पौधा, और कितना समय जो 9 महीना लगता है, और ड्रिप इरीगेशन जो ये लगा हुआ है सिस्टम, इसको और खेत को तैयार करने में कितना खर्च सर का आता है? सर सीधे इसको मान लीजिए, सीधे तौर पर लीजिए, अगर एक पौधे से 50 रुपया खर्चा गिरता है तो 1 बीघे में 15,000 पौधा आता है, तो 50 × 15,000 करते हैं तो 7.5 लाख रुपया हमारा खर्चा आ गया, जिसमें लेबर, खाद, दवा, मल्चिंग, सारा खर्चा उसमें, सारी चीज़ें, मतलब सर ने इस तरह से कैलकुलेट कर दिया है कि काफ़ी आसान हो गया आपको समझने में कि जो एक पौधे पे जो खर्च आएगा, अगर एक पौधा आप लगाते हैं तो पूरे 9 महीने यानी 1 सीज़न में आपका 50 से मैक्सिमम 55 रुपये मानते हैं कि 50-55 रुपये में एक पौधे का ऊपर खर्च आ रहा है, और इस तरह से अगर मार्जिन देखा जाए तो लगभग डबल का, यानी 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। और आप सर से भी मिल के इसको सीख सकते हैं, और इसके बारे में सर से जानते हैं, क्या ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं? जी क्या? जी जो किसान इच्छुक होते हैं, 2 किसान किए हैं, कर रहे हैं लोग, जो करना चाहते हैं आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, जानकारी लेते हैं, इसमें लग के काम करते हैं, वो सीखते हैं, सीख के फिर अपना वो काम करते हैं। नए फार्मर के लिए क्या कितना कठिन है इसको करना, ऐसा भी कुछ है क्या बहुत टफ हो जाता है या कुछ ऐसा है इसमें? नहीं नहीं देखिए, कोई काम ऐसा नहीं है जो कठिन है, जो काम हम नहीं जानते हैं वो कठिन है, और जो जानते हैं वो आसान है। हाँ ये तो होता ही है, जो हम लोग जान जाते हैं वो आसानी होता है, तो नई चीज़ों को सीखने में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही है। और सर का जो नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और स्क्रीन पर भी फ्लैश हो जाएगा सर का नंबर, आप अगर स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं या सर से तैयार स्ट्रॉबेरी ख़रीदना चाहते हैं तो आप सर से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फुल हेल्प मिलेगा सर के द्वारा। कोई फीस भी है क्या सर? नहीं सर कोई फीस नहीं है, ये हमारे भाई हैं किसान, हम चाहते हैं जितने लोग चाहें सीखें, करें और वो कमाएँ,
और कमा के वो खुद कहें जो खेती हमारे नुकसान की नहीं है, फायदे की चीज़ है, और खेती से वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमने यहाँ करके दिखाया है। तो सर के ऐसा नहीं है कि आपको कोई फीस भी देना है, ये पूरी तरह से निशुल्क है। बस ये है कि आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, किसी भी समय आप फ़ोन मत करिए, क्योंकि हर समय फ्री नहीं होता है कोई भी पर्सन। तो 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं कॉल के द्वारा, और उनसे टाइम लेके आप उनका फार्म विजिट कर सकते हैं, और अपनी स्ट्रॉबेरी अगर आपको चाहिए तो सर से कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। और सर इसके बारे में अगर आप कुछ ऐसा जो हम लोग नहीं जान पाए हैं या हम नहीं पूछ पाए हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें आपने जानकारी ले लिया है, पर ये प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जैसे धान गेहूँ हम लगाते हैं बो दिए हो गया, इसकी निगरानी हमेशा करना पड़ेगा 24 घंटा मान के चलिए, क्योंकि जहाँ से आपको लाखों कमाना है तो ऐसा नहीं जो आप काम ऐसे लगा दिए छोड़ दिए, तो नहीं हो पाएगा। और वही किसान कहता है जो समय से रहता नहीं है, नहीं करता तो कहेगा हमारा नुकसान हो गया। आप रह के लग के करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, ये श्योर है। तो इसको जानवरों से या किसी तरह के जंगली जानवरों से बचाने के लिए भी आपने कुछ व्यवस्था किया है? जंगली जानवर जैसे खरगोश हुआ या नीलगाय आ गई तो हमारी ड्रिप पाइप है, या पन्नी पर पैर रखेगी तो फट जाएगा, या पौधे पर पैर रख दी तो पौधा धंस जाएगा, तो वो नुकसान होगा। इसके लिए हम झटका मशीन लगाए हैं जिससे उसको बाड़ा कह रोके हैं, जो बाहर ही रहते हैं इसके अंदर नहीं आते हैं। तो सिक्योरिटी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने केवल खेती में फली लगा दिया, पौधा लगा दिया तो आप सेफ हो गए हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सर ने बताया कि बाहरी जो जानवर हैं वो नुकसान करते हैं खेत को, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप उसे कैसे, या तो खुद रखवाली करिए, या अगर नहीं कर सकते हैं तो सर ने जैसे झटका मशीन का यूज़ किया है तो आप उस तरह का कोई इक्विपमेंट लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। जी सर, हमको भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आगे भी जैसा हम देख रहे हैं कि पीछे मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, आप हैं, आप इनसे भी मिल लीजिए, सर के छोटे भाई हैं। अपना भी नाम बताइए। पड़ो कुमार सिंह नाम है मेरा सर। काफ़ी ज़्यादा मेहनत यही करते हैं यहाँ पे। अभी फल आपने देखा होगा वीडियोज़ में कि फल की तोड़ाई कर रहे थे, तो भैया के साथ जो हैं ये पूरी तरह से लगे रहते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत ये, क्योंकि आदमी मुझे दिख नहीं रहे यहाँ पे, एक ही आदमी आपने रख रखा है। नहीं, जरूरत पड़ने पे आदमी बढ़ते हैं, लेबर आते हैं, मतलब बढ़ते हैं, पूरी खेती यही देखते हैं। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि पूरे खेत को भैया ही संभालते हैं और इन्हीं की निगरानी में ये पूरा खेत चल रहा है। तो अगर आप चाहेंगे तो इनसे भी मिल सकते हैं। मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था, जो ये पीछे आप केले की खेती देख पा रहे हैं, तो ये भी लगा हुआ है, और जब इसमें फल आने लगेगा तब हम इसके बारे में भी डिटेल जानकारी सर से लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही नई नई वीडियोस और नई नई जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं जो कहते हैं कि फार्मिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, वो इस तरह की खेती को अपना के अपना जो इनकम है वो दुगना कर सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।